और बात करते हैं जगमग अयोध्या किस तरह से श्री राम के आगमन के लिए तैयार है। इससे अनुभूति होती कि ये वही अयोध्या है, रामकालीन अयोध्या, जिस अयोध्या के लेकर राम राज की परिकल्पना लोग करते हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। दो दिन बाद राम नगरी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन उससे पहले अवधपुरी की सजावट सबको लुभा रही है। चौराहों से लेकर घाट तक अद्भुत तस्वीर दिख रही है। इस बार दीपोत्सव कुछ खास होने वाला है, इसलिए उत्साह भी ज्यादा है। अवधपुरी में भगवान राम के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर घाट हर चौराहा रोशनी से जगमग है। रामलला की नगरी में हर ओर सिर्फ उम्मीद और उत्साह का उल्लास है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या का कोना कोना चमक रहा है। दीपोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष अपने आप में सरकार के जो प्रयास है, हर वर्ष कैसे करके मतलब प्रयास है कि इस दीपोत्सव के जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के तोड़ कर और बार बार अपना रिकॉर्ड बनाना। आप समझिए 25 लाख दिए से पूरी अयोध्या, नुक्कड़, चौराहा, गली, जो भी मतलब जगह है, सभी जगहों पे दीप से दीपमान। वो त्रेताकालीन अयोध्या, वो द्वापरकालीन अयोध्या, वो रामकालीन अयोध्या, इस प्रकार से सजाने की, संवारने की योजना इस दीपोत्सव में है। दीपोत्सव 11 नवंबर यानी शनिवार को होगा। उससे पहले प्रभु श्री राम की नगरी में जगह जगह अद्भुत सजावट दिखाई दे रही है। पूरी अयोध्या ठीक उसी तरह चमक रही है जैसे त्रेता युग में भगवान राम की लंका विजय के बाद वापसी के दौरान सजाई गई थी। सजी सवरी अयोध्या में जहां तक नजर जाती है वहां तक सुंदर नजारे दिखते हैं। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में लेजर शो भी होना है, उसकी एक झलक आज भी देखने को मिली। इस बार के दीपोत्सव में विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन पर लेजर शो का आयोजन किया जाना है, उसमें कोई कसर न रह जाए, उसके लिए हर रोज रिहर्सल हो रही है। पहली बार सरयू की अविरल जलधारा में वाटर लाइटनिंग भी आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा कई देशों की रामलीला का मंचन होगा। अलग अलग देशों के कलाकार रामलीला में शामिल होंगे, उनकी कला भी अयोध्या वासी और पूरी दुनिया देखेगी। हर देशों की जो लीलाएं हैं वो भिन्न भिन्न रूप में हैं। वह समस्त लीलाओं को यहाँ अयोध्या में देखी जाए कि अयोध्या की लीला किस प्रकार से रामलीला जिसे दिखाया जाता है और दूसरे देशों की रामलीला किस प्रकार से है, तो उसका मंचन किया जाएगा यहाँ, जिससे कि लोग देखें कि यहाँ देश विदेश में यह भगवान श्री रामलला का जो रामलीला होती है वो किस प्रकार से होती है, वह भी अत्यंत अद्भुत और दर्शनीय होगा। अयोध्या में दीपोत्सव के दिन 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख दिए रोशन होंगे। कुल 25 लाख वॉलंटियर्स इन दियों को जलाने में जुटेंगे। हर साल की तरह इस बार भी दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दीपोत्सव में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की झलक दिखे, इसकी भी खास तैयारी की गई है। सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए, जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं, उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के, और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी हम काम कर रहे हैं। सजी संवरी अयोध्या बेहद आकर्षक और आनंदित लग रही है। दीपोत्सव के दिन यहाँ अलग रंगत होगी, उसके लिए साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं। 11 तारीख को दिन में 11 बजे ही कम से कम, नहीं तो ये जो रास्ता है इस रास्ते पे आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। लमसम सैकड़ों रामलीला मंडली,
सैकड़ों झांकियां और विभिन्न मतलब देश के विभिन्न प्रदेशों की जो कलाकृति, उस कलाकृति के साथ में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को यहां से ले जाकर और पुष्पक विमान से भगवान उतरते हैं। उससे पहले जितने उनके दूत हैं पूरे रामायण के पात्र के साथ साथ देश के विभिन्न कलाकारों के नेतृत्व में इससे झांकी जाएगी।